हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। आज हमारी क्लास नंबर 4 जिसके अंदर हम अपने न्यूमेरिकल पार्ट को आगे कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। याद होगा लास्ट क्लास यानी 53 नंबर क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स होमवर्क में दिए थे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वो होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा और आप जानते हो कि आपने किया है या नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो अब कर लो और जिन्होंने किया है वो चेक कर लो, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज 2। यानी इस क्वेश्चन में हमें ईएस दे रखा है 2, पहले से ही दे रखा है। और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा होगा, कहीं ना कहीं वो प्राइस की बात करेगा, कहीं ना कहीं वो सप्लाई की भी बात करेगा, तो क्यों ना हम पहले से इसका शेड्यूल बना के तैयार कर ले, जैसे क्वेश्चन हमें बार बार पढ़ना ना पड़े। इफ प्राइस फॉल फ्रॉम ₹10 पर यूनिट टू ₹8 पर यूनिट, अगर प्राइस हमारी ₹10 से घटकर ₹8 पर यूनिट हो रही है, ₹10 से घटकर ₹8 पर यूनिट हो रही है, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स बाय 500 यूनिट्स। उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो फॉल हो रही है 500 यूनिट से। कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड एट द डिक्रीजिंग प्राइस, उसने हमसे पूछा क्वांटिटी सप्लाइड निकाल के दे दो इस प्राइस पर, जहां पर प्राइस हमारी क्या हुई है रिड्यूस हुई है, इस प्राइस पर हमें सप्लाई निकाल के दे दो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हाइड कर दिया क्योंकि अब हमारे पास ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल से भी हम काम कर सकते हैं। चलो अब बताओ ईएस का फॉर्मूला क्या होता है। ईएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू होता है, राइट। डेल्टा क्यू, क्या मैं ईएस के लिए 2 लिख सकता हूं? द आंसर इज यस, मैं 2 लिख सकता हूं। डेल्टा क्यू, क्या मैं डेल्टा क्यू की जगह 500 यूनिट लिख सकता हूं? जी हां दोस्तों 500 यूनिट्स लिख सकते हैं। डेल्टा पी क्या मैं ₹2 लिख सकता हूं? यस, पी मतलब फर्स्ट प्राइस दैट इज 10। क्या मुझे क्वांटिटी पता है? नहीं पता, तो क्वांटिटी क्या लिखूंगा? क्यू, डेल्टा क्यू नहीं, क्वांटिटी क्या लिखूंगा? क्यू, क्योंकि वो चीज मुझे पता नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा आपका 250, ठीक है। तो ये आ रहा है 2 इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाई क्यू। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2Q इज इक्वल टू 2500। सो क्यू इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाई 2, तो क्यू कितना देगा? 1250 यूनिट्स। यानी हमें फर्स्ट क्वांटिटी मिल चुकी है 1250, मतलब ये वाली क्वांटिटी हमें मिली 1250, जबकि क्वेश्चन ने हमसे कौन सी मांगी है? सेकंड वाली मांगी है। तो हम लिखेंगे न्यू क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू, हमारी जो नई क्वांटिटी सप्लाइड है वो कितनी होगी? देखो अब एक बात हो, प्राइस कम हो रही तो सप्लाई भी क्या होगी? कम होगी। हमारी फर्स्ट सप्लाई कितनी थी? 1250, क्योंकि प्राइस कम हो रही तो सप्लाई भी कम होगी। कितने यूनिट से? 500 यूनिट से। 500 यूनिट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 750 यूनिट्स आ गई। दिस इज कॉल्ड न्यू क्वांटिटी सप्लाई। बोलो अब आप लोग चेक करो कि आपका आंसर 750 यूनिट्स आ रहा था। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं आ रहा तो उसकी वजह जानो कहां गलती हो रही थी। दोस्तों 4 नंबर का तो फ्री फंड का क्वेश्चन है, फ्री फंड का, फ्री के नंबर दे रहा है, तो क्यों ना आप इसको गवाने की जगह उसको पाने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन, आई होप कि आपने अगला क्वेश्चन भी कर लिया होगा, नहीं किया तो यहां देखो अगले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा था। हम एक काम करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब उसमें बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ए, जो कमोडिटी ए है उसकी ईएस कितनी दे रखी है? 3। तो ये लो, ईएस ऑफ अ कमोडिटी इज 3। अब इसमें भी कहीं ना कहीं हमें प्राइस गिवन होगा और कहीं ना कहीं हमें इसमें सप्लाई गिवन होगा, दोनों की दोनों चीज इसके अंदर क्या होंगी? गिवन होंगी। तो चलो आगे पढ़ो, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विल अ सेलर सप्लाई व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹1। अगर हमारी प्राइस ₹1 से बढ़ जाती है तो वो कितनी यूनिट सप्लाई करेगा? इफ ही सप्लाईज 30 यूनिट्स, वो 30 यूनिट की सप्लाई कर रहा है एट अ प्राइस ऑफ ₹3 पर यूनिट। यानी कि वो हमसे पूछा है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी ऑफ ए इज 3, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल सेल सप्लाई व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹10। कह रहे हैं कि जब प्राइस राइज हो रही है ₹1 से, तो वो कितनी क्वांटिटी क्या करेगा? सप्लाई करेगा, हमें बता दो। यानी उसने न्यू क्वांटिटी मांगी है, ओल्ड नहीं, ओल्ड तो वैसे भी गिवन थी। अब बताओ प्राइस ₹3 पहले थी, ₹1 बढ़ रही, तो नई प्राइस कितनी हो जाएगी? ₹4 हो गए, जो पहले 3 थी वो बढ़कर कितनी होगी? 4। तो हमारी सप्लाई भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ईएस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ईएस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3 दे रखा है। ईएस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3 दे रखा है। डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटी में चेंज। अब आप बताओ क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? क्या आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, तो हम डेल्टा क्यू की जो वर्ड यूज करेंगे, डेल्टा क्यू। डेल्टा पी कितना है? 3-4 या 4-3, कितना आ गया? 1 आ गया। इंटू में पी बाय क्यू, पी मतलब फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 3, Q
यानी फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 30, P मतलब फर्स्ट प्राइस और Q मतलब फर्स्ट क्वांटिटी, वो हमने नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद 3 को इससे काटेंगे दैट इज 10, तो यहाँ पर लिखो 3 इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में 10। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इससे हमारा डेल्टा Q निकल के आ जाएगा दैट इज 30 यूनिट्स, यानी कि हमारी क्वांटिटी में चेंज कितने यूनिट्स का है, 30 यूनिट्स का है। और हमें क्या चाहिए, न्यू क्वांटिटी सप्लाइड चाहिए, हमें न्यू क्वांटिटी सप्लाइड चाहिए। अब आप एक बात बताओ, हमारी पुरानी क्वांटिटी कितनी थी, 30 यूनिट्स की, अब उसमें प्लस करें या माइनस करें, प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, तो यानी कि हम इसमें प्लस करेंगे कितना, डेल्टा क्यू यानी 30 यूनिट्स, तो हमारी नई यूनिट्स कितनी आएगी, नई क्वांटिटी सप्लाइड कितनी आएगी, 60 यूनिट, यानी ये चीज कितनी है, 60 यूनिट्स। अब आप आंसर चेक करो कि आपका आंसर सही आ रहा है, सही आ रहा है तो वेल एंड गुड, और गलत आ रहा है तो देखो कि गलती कहां पे हो रही है, राइट। चलो अब हमारा अगला पार्ट आता है, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज गिवन, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज गिवन। याद है दोस्तों कि मैंने आपको बताया था जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो क्वेश्चन हमारे जो है तीन पार्ट में डिवाइडेड होंगे, याद है, व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर गिवन, व्हेन ईएस इज गिवन, ये वाला केस अभी हमने किया। अब हम करेंगे व्हेन TR is given, जब हमें टोटल रेवेन्यू गिवन होगा। इससे पहले हम टोटल रेवेन्यू इज गिवन वाले क्वेश्चंस को करें, हमें ये जान लेना जरूरी है कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। दोस्तों टोटल रेवेन्यू कुछ नहीं, एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, एक सेलर ने ₹2 वाले 5 पेन बेचे, तो उसे टोटल पैसा कितना मिला, ₹10 मिला, ₹10 मिला, तो जो ₹2 है दिस इज कॉल्ड बी अ प्राइस एंड ₹5 इज कॉल्ड बी अ क्वांटिटी। जब हमने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसे कितना पैसा मिला, दिस इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। ये आपने रेवेन्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था कि TR इज इक्वल टू प्राइस इनटू में क्वांटिटी होता है, राइट। तो अब हमारा क्वेश्चन है व्हेन टोटल रेवेन्यू इज गिवन, जब हमें टोटल रेवेन्यू गिवन होगी तो काम कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने पास यहां पर बनाते हैं प्राइस, और इसके बाद बनाते हैं अपने पास क्वांटिटी यानी डिमांड, प्राइस बनाते हैं और डिमांड बनाते हैं, और फिर हम इसके अंदर बनाएंगे, अच्छा डिमांड नहीं है सॉरी सप्लाई है, मैंने गलती से डिमांड लिख दिया, अदरवाइज ये क्या लिखना था मुझे यहाँ पर, सप्लाई, प्राइस है, सप्लाई है, और टीआर बोले तो टोटल रेवेन्यू। इफ द प्राइस ऑफ ए क्वांटिटी इज ₹10 पर यूनिट, जब किसी वस्तु की कीमत ₹10 पर यूनिट है तो टोटल रेवेन्यू से है 2000 यूनिट, टोटल रेवेन्यू है ₹2000 एंड द प्राइस आर इंक्रीजेस टू 20, प्राइस बढ़कर ₹20 हो गई, जब प्राइस आपकी बढ़कर ₹20 हो गई तो टोटल रेवेन्यू रेज बाय 6000 यूनिट, यानी तब हमें टोटल रेवेन्यू 6000 से बढ़ गई है, 6000 से बढ़ने का मतलब नई टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई, 8000 हो गई, नई टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई, 8000 हो गई। और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, आप क्या निकाल के दे दो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसके लिए हमें प्राइस और सप्लाई दोनों गिवन होना चाहिए, सप्लाई तो गिवन है नहीं, तो हम प्राइम फॉर्मूला जानते हैं दैट इज TR is equal to P into में Q, और अगर हमें Q निकालना है तो Q is equal to TR upon में P, TR upon में P, तो अब आप फंडा यूज करो, 2000 को 10 से डिवाइड करो तो 200 यूनिट आ गई सप्लाई की, और 8000 को 26 करो तो ये आ गई आपकी 400 यूनिट्स। अब ये दोनों चीजें गिवन है, अब आप ES निकाल सकते हो, चलो ES को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P into P by Q, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें बताओ डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q ये मत कर देना, गलती से लोग ना बच्चे इसी को सप्लाई समझ लेते, ये चीज कुछ नहीं, अब हमारे इरिलेवेंट है, यहां पर आओ डेल्टा Q 200 - 400 दैट इज 200, डेल्टा P प्राइस में कितना चेंज है ₹10 का, into में प्राइस इनिशियल प्राइस कितना है ₹10, Q कितना है इनिशियल क्वांटिटी कितना है 200। अब हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं, ये लो ये सारे कट गया आपस में, 10 से 10 कट गया, 200 से 200 कट गया, तो ES हमारा क्या आ गया, ES इज इक्वल टू 1, इस केस में हमारा ES कितना आ गया 1 के बराबर आ गया, कोई डाउट नहीं, चलो आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ प्राइस ऑफ ए क्वांटिटी इज ₹20 पर यूनिट द टोटल रेवेन्यू इज 4000 एंड इफ प्राइस रिड्यूस टू ₹10 पर यूनिट द टोटल रेवेन्यू इज ₹2000, कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को पहले करोगे, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को करके दिखाओ। आई होप कि आपने अभी क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, अब आंसर मैच करो कि आपका आंसर कितना आ रहा है। यहां पर हम लेते हैं प्राइस, इसके बाद फिर हम अपने पास लेंगे सप्लाई, इस बार मैंने सही लिखा है ना, पिछले बार मैंने गलती से ना डिमांड लिख दिया था सप्लाई की जगह, और इसके बाद आता है टोटल रेवेन्यू, राइट। चलो इफ प्राइस ऑफ ए क्वांटिटी इज ₹20 पर यूनिट, जब किसी वस्तु की कीमत ₹20 पर यूनिट थी तो टोटल रेवेन्यू था आपका ₹4000 और प्राइस रिड्यूस होकर ₹10 हो गई, प्राइस रिड्यूस होकर ₹10 हो गई है, तो जो टोटल रेवेन्यू है वो घटकर हो गया 2000। अब आप बताओ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अब आप जानते हो हमारा प्राइम फॉर्मूला क्या होता है,
TR is equal to price into में quantity, तो quantity is equal to TR upon में P, यानी 4000 को 20 से divide कर दो, तो जो आपकी value आएगी, that is called your supply, तो चलो अब इसको divide करेंगे, ये आएगा आपका 200, और अगर इसको divide करेंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 200, बोलो बात clear हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, ES का formula लगाएंगे, ES is equal to delta Q upon delta P into P by Q, अब इसमें चीजें पुट करते हैं, चलो एक बात बताओ, डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू 0, 200 में से 200 के 0 आया, इसका डेल्टा पी कितना है, 10, 20 minus 10, 10, पी कितना है, फर्स्ट प्राइस, that is 20, क्यू कितना है, फर्स्ट क्वांटिटी, that is 200, right, अब क्या हुआ, जब आंसर 0 है ऊपर, तो आपका आंसर ES का भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, फंडा क्लियर है, चलो अब यहां पर हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है अब हम क्वेश्चन के अगले सेगमेंट की ओर आ चुके हैं जहां पर हमें क्या गिवन होती है दो कमोडिटीज गिवन होती है जहां पर हमें क्या गिवन होती है दो कमोडिटीज गिवन होती है अब हम वो वाले क्वेश्चंस को करने के लिए जा रहे हैं जिस जगह पर हमें क्वांटिटी कितनी गिवन होती है दो-दो गिवन होती है क्वांटिटी नहीं गुड्स दो-दो गिवन होते हैं चलो वो ये रहा क्वेश्चन व्हेन टू गुड्स या टू कमोडिटीज आर गिवन क्वेश्चन पढ़ना पहले कमोडिटी x एंड y हैव इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई द सप्लाई x राइजेस फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 500 यूनिट्स ड्यू टू अ 20% राइज इन प्राइस कैलकुलेट द परसेंटेज fall in supply of Y if price fall by 8%. तो चलिए अब एक काम करते हैं हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने क्वेश्चन को एक तो हम लेंगे अपने पास गुड्स X यहाँ पर देखो हमने गुड्स X ले लिया और एक तरफ हम लेंगे गुड्स X ले लिया और गुड्स Y ले लिया अब हम क्या करेंगे गुड्स X की भी हम प्राइस और सप्लाई लिख लेते हैं गुड्स X की भी हम अपने पास प्राइस लिख लेते हैं और सप्लाई लिख लेते हैं और हम गुड्स वाई की भी क्या लिख लेते हैं प्राइस और सप्लाई ये लो गुड्स वाई की भी हमने ले लिए प्राइस और सप्लाई क्या ले लिए प्राइस और सप्लाई ये लो हमारे पास दोनों चीजें अब कंप्लीट हो गए हैं राइट चलो क्वांटिटी एक्स एंड वाई हैव इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसका मतलब क्या है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई x की होगी वही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसकी होगी y की यानी दोनों की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो आंसर है वो क्या रहेगा इक्वल अगर es ऑफ x 1 है तो y का भी कितना होगा 1 क्योंकि दोनों इक्वल हैं अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो द सप्लाई ऑफ x राइजेस 400 टू 500 जो सप्लाई x की वो 400 यूनिट से बढ़कर 500 यूनिट हो गई है ड्यू टू 20% राइज इन प्राइस क्योंकि जो प्राइस हमारी वो 20% से बढ़ गई है क्योंकि जो प्राइस हमारी वो 20% से बढ़ गई है कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन सप्लाई आपको ये बताना है कि परसेंटेज चेंज इन फॉल इन अच्छा परसेंटेज चेंज इन फॉल इन सप्लाई ऑफ वाई हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है इसको मैं रेड पेन से कर देता हूं क्वेश्चन हमसे ये चीज मांग रहा है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ क्वांटिटीज सप्लाइड फॉल बाय गुड्स वाई व्हेन इट्स प्राइस फॉल बाय 8% जब इसकी प्राइस क्या हो रही हो 8% से फॉल हो रही हो यानी कि हमसे ये चीज मांगी गई है तो एक काम करते हैं हम ना पहले x क्वांटिटी का es निकाल लेते हैं क्योंकि अगर हमने s क्वांटिटी का es निकाल लिया तो वो इसके बराबर होगा इस वाले es के बराबर होगा फिर हम ये चीज फाइंड आउट करने में हमें आसानी होगी तो चलो एक बार इसको निकाल लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अब आप लोग आपने डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू नहीं लगाया क्योंकि यहां पर मुझे दोनों प्राइस गिवन नहीं है कोई एक गिवन होती तो भी मैं फार्मूला लगा सकता था इसलिए मुझे मजबूरन ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्यूएस लिख रहा हूं लेकिन आप एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करोगे अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसके बाद ES is equal to अब आप बताओगे percentage change quantity supplied कितना है अब आपको कहोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं है तो कोई बात नहीं मैं हूं ना don't take fear because Shivam is here मैं आपको बताऊंगा ये कैसे निकालते हैं इसको निकालने के लिए मैं नीचे स्टार डाल रहा हूं स्टार डाल रहा हूं स्टार डाल के मैं इसका फार्मूला लिखूंगा percentage change in quantity supplied percentage change in quantity supplied is equal to delta Q upon में Q into 100 delta Q upon में Q into 100 अब आप बताओ delta Q कितना है ये देखो यहां पर मैं आपको ये शेड्यूल भी दिखा देता हूं डेल्टा क्यू कितना है 100 यूनिट्स का है तो ये लो 100 यूनिट्स अपॉन में क्यू यानी फर्स्ट यूनिट दैट इज 400 इनटू में 100 इसको 200 है इसको इससे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 2 8 4 5 20
चेंज इन प्राइस। इसको कैसे निकालते हैं बताओ, फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100। डेल्टा पी बताओ, डेल्टा पी कितना होता है? डेल्टा पी मतलब प्राइस में चेंज। अब हमें डेल्टा पी वगैरह तो पता नहीं है। अच्छा एक बात बोलूं, हमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में हमें सीधा दे रखा था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये देखो क्वेश्चन में तो सीधा में दे रखा था परसेंटेज चेंज प्राइस है कितनी, 20%। कितनी है? 20% है। कितनी है? 20% है। चलो अब हम इसमें पुट कर दे, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड, अभी अभी हमने नीचे निकाला 25, कितना निकाला 25, तो 25 अपॉन में, अब आपको किस तरह ने परसेंटेज नहीं लिखा दोस्तों, लिखना नहीं होता, सिर्फ 25 होता, परसेंट नहीं लगाते। अपॉन में परसेंटेज चेंज प्राइस कितना है 20, देखो क्वेश्चन में आप देखो 20 दे रखा है ना, ये रहा 20, तो ये 20 हमें दे रखा है, तो हमने इसके लिए पुट कर दिया 20। तो यहां से हमारा ईएस निकल के आया है, अगर मैं 20 को 25 से डिवाइड करता हूं तो आप ये देख लो, ये आ जाएगा 5/4। 5/4 का मतलब होता है 1.25, यानी कहीं ना कहीं ये 1.25 दे रहा है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये आपका ईएस आ गया 1.25। अब आप जानते हो ईएस ऑफ एक्स हमारा आया है 1.25, तो इतना ही ईएस ऑफ वाई भी होगा क्योंकि दोनों के ईएस क्या थे, बराबर थे। दोनों के ईएस क्या थे, बराबर थे। जब दोनों के ईएस बराबर है तो जब इसका 1.25 आया तो वाई का भी कितना आएगा, 1.25 आएगा। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ईएस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमने यहां पर क्या लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब बताओ आप लोग, क्या मैं इसके 1.25 लिख सकता हूं? द आंसर इज यस, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने इसके लिखा 1.25 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये तो हमें निकालना ही है, तो इसके तो हम एज इट इज ये लिख लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना गिवन है 8%, ये लो हमने 8 लिख दिया। इसके नीचे क्वेश्चन है अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो हमारा आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1.25। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10, यानी कि हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना गया 10, जो कि हमसे क्वेश्चन ने मांगा था। अब बताओ ये क्वेश्चन इजी है या नहीं है? अगर आप एक एक लाइन पढ़ते हो तो वाकई में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब एक काम करता हूं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं। ये रहा होमवर्क, एक तो ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है, ये आपके सामने है, ठीक है? इस क्वेश्चन को करके देखना आप होमवर्क में। इसके बाद फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो है ये रहा। दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करके देखना, अगर कोई डाउट होगा तो मैं इसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपलोड करूंगा, ठीक है? जो हमारी वीडियो लेक्चर नंबर होगी 55, इन दोनों के आंसर आपको वीडियो लेक्चर नंबर 55 के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन पहले कोशिश करो खुद सॉल्व करने की। दोस्तों अगर आप लोग मेरे हिसाब से चलोगे और मेरे साथ साथ चलोगे तो गारंटी मेरी है कि आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। यू आर ऑल बी आर इकोनॉमिस्ट, नॉट आर स्टूडेंट, याद रखना हमेशा। आप सभी लोग क्या हो, इकोनॉमिस्ट हो। और ये मेरी गारंटी है कि जितने नोट्स मैंने लिखवाए हैं, अगर ये आप अपने प्रॉपर कॉपी में लिख रहे हो और साथ के साथ समझते हुए जा रहे हो, तो गारंटी मेरी है कि जब मैं रिवीजन सीरीज लेकर आऊंगा यूट्यूब पे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी और आप देखोगे कि आपके एग्जाम में आपके चार चांद लग चुके हैं। दोस्तों ये भूल जाओ कि आपके 10th क्लास में कम मार्क्स थे, 9th क्लास में कम मार्क्स थे। दोस्तों जब आपने कॉमर्स ज्वाइन किया 11th क्लास में आके, तो आपका रास्ता अब स्टार्ट हुआ है। इससे पहले तो कुछ नहीं चल रहा था, रास्ता तो अब स्टार्ट हुआ। कॉमर्स वाली फील्ड के अंदर आपकी लाइफ की ये फर्स्ट जर्नी है, इसका मतलब आपकी हर चीज की शुरुआत स्टार्टिंग से हो रही है। तो अब आप यहां पर परफॉर्म करवा के दिखाओ जो आप पिछले सालों तक नहीं करवा पाए थे अपने आप को, ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मेरा यहां पर कम्युनिटी बनाने का मतलब ये है कि आप सभी लोग उन लोगों से ये चीजें शेयर करो जिन्हें वाकई इन चीजों की जरूरत है और उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है बट आप लोगों को फायदा मिलना चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।